हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक फार्मूला बताने वाला हूँ। है तो इफ का फार्मूला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी रेस्टोरेंट में आप सामान खरीदने जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाला आपको जो भी रेट मांगोगे या वो रेट वो कहाँ से लेके आएगा। हमने यहाँ क्या किया, ये हमने लिखा है फास्ट फूड रेस्टोरेंट मीनू लिस्ट, ये शीट नंबर वन है। और शीट नंबर दो पे हमने जो हमारे पास आइटम है उन सबके रेट लिखे हुए हैं। और ये जो सारे आइटमों के रेट हैं ये हमको शीट नंबर वन पे लाने हैं। कैसे लाएंगे? इजिकल टू इफ का फार्मूला लगाएंगे। तो इफ लिखेंगे आई, जैसे आई प्रेस करेंगे आई एफ लिखा आ रहा है, टैब दबाएंगे। अब ये फार्मूला ये बोलता है कि अगर यहाँ ये जो भी आइटम लिखी है वो बराबर है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे इस आइटम के पहली आइटम के, तो जो भी सेकंड शीट पे जो भी कुछ हम लेंगे उसको फ्रीज करना होता है F4 से। फ्रीज कर दिया तो कॉमा, अब इसका रेट आना चाहिए। तो रेट लेने से पहले हमको प्लस का निशान लगाना है, ध्यान रखना है प्लस। हमने रेट ले लिया, अब इस रेट को भी फ्रीज करना होता है। सेकंड शीट पे जो भी हम लेंगे उसको फ्रीज करेंगे, ध्यान रखना है F4 से। फ्रीज कर दिया कॉमा, फिर दोबारा से इफ लेंगे, अगर इफ लिखा आ रहा है टैब दबाएंगे। अब शीट नंबर वन पे जाना है हमको कि अगर यहाँ जो भी लिखा है आइटम ये बराबर है शीट नंबर टू के आइटम के। अब सेकंड आइटम लेंगे, अगर इसके बराबर है इसको फ्रीज करेंगे तो कॉमा प्लस उस आइटम का रेट आना चाहिए वहाँ। हमने रेट ले लिया, इसको भी फ्रीज करना है कॉमा। इफ आ रहा है टैब दबाएंगे, शीट नंबर वन पे जाएंगे, अगर यहाँ जो भी आइटम लिखा है वो बराबर है शीट नंबर टू पे जाएंगे, थर्ड आइटम लेनी है इसके, इसको फ्रीज करेंगे F4 से। फ्रीज कर दिया कॉमा, तो वो उसका रेट आना चाहिए थर्ड आइटम का प्लस का निशान। प्लस का निशान लगाने के बाद हमको रेट लेना है, जैसे ही रेट लेंगे इसको फ्रीज करेंगे F4 से कॉमा। इफ लिखा रहा टैब दबाएंगे, शीट नंबर वन पे जाएंगे, अगर ये जो है आइटम लिखा है ये बराबर है किसके बराबर है शीट नंबर टू पे, जो नेक्स्ट आइटम है, नेक्स्ट आइटम हमारा ये है, जैसे इसको लेंगे फ्रीज करेंगे कॉमा, उसका रेट आना चाहिए तो रेट लेने से पहले प्लस का निशान। रेट ले लिया, रेट जैसे लेंगे उसको फ्रीज करेंगे F4 से कोमा, फिर दोबारा से इफ आ रहा टैब दबाएंगे, शीट नंबर वन पे जाएंगे, यहाँ जो भी आइटम लिखा है अगर ये बराबर है शीट नंबर दो, लास्ट आइटम रह गया हमारा इसके, लास्ट आइटम लेते ही फ्रीज करेंगे F4 से कॉमा प्लस उस आइटम का रेट आना चाहिए। रेट ले लिया, उसको फ्रीज कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब कितनी बार इफ आया उतने ब्रैकेट लगाने होते हैं,
तो एक दो तीन चार पांच बार ही फायर होगा, पांच ब्रैकेट लगाने। हमने एक ब्रैकेट लगा दिया, चार और लगाते हैं, दो तीन चार पांच, एंटर। अब हम शीट नंबर वन पे हैं, आप देख रहे हो बर्गर का रेट यहाँ 15 आ गया। अब शीट नंबर दो पे देख लेते हैं, यही रेट है, यही रेट है। शीट नंबर एक पे जाएंगे, अब इस फॉर्मूले को पहले हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर। पेस्ट कैसे करते हैं, ये प्लस का निशान आ रहा है, माउस को दबा के रखेंगे और ऐसे खींचेंगे। अब हम यहाँ पर और कोई आइटम लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आइटम जो नाम जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। चाउमीन, स्पेलिंग अगर गलत होगी तो आएगा नहीं। चाउमीन लिख दिया हमने, CHOWMIN। चाउमीन लिख दिया, एंटर। चाउमीन का रेट आ गया। अब यहाँ पैटी लिख देते हैं, एंटर। पैटी का रेट आ गया। पिज़्ज़ा, एंटर। पिज़्ज़ा का रेट आ गया। अब क्या रह गया, मोमोज। मोमोज का रेट आ गया। तो आपने देखा जो वहाँ रेट लिखे थे शीट नंबर दो में, सारे रेट यहाँ पर आ गए। अब ये फार्मूले का क्या फ़ायदा है, यहाँ बर्गर लिखा है हमने, यहाँ पर हम लिख देते हैं मोमोज। मोमोज का रेट आ गया, आपने देखा। अब चाउमीन की जगह मैं लिख दूँ पिज़्ज़ा, एंटर। पिज़्ज़ा का रेट आ गया। पैटी की जगह लिख दूँ मैं चाउमीन, स्पेलिंग का ध्यान रखना, जैसी स्पेलिंग वहाँ लिखी हुई है शीट नंबर दो में वही स्पेलिंग यहाँ होनी चाहिए। हमारा कौन सा रहेगा, बर्गर लिख देते हैं, बर्गर आ गया। अब रह गया पैटी, पैटी आ गया। किसी भी जगह आप कोई सा भी नाम लिखोगे उसका यहाँ रेट आ जाएगा, जबकि रेट लिस्ट हमारी शीट नंबर दो पे है, यहाँ पर है। तो मतलब हमको अगर कोई चीज़ ध्यान नहीं है, हमको नाम ध्यान है, नाम लिखेंगे रेट उसका अपने आप आ जाएगा। ये इफ़ का फार्मूला है, फास्ट फूड चेन का फार्मूला है। और ये फार्मूला कितना बड़ा है ये आप देखेंगे अभी। अब फार्मूला देखने का एक और तरीका होता है, F2 का जो बटन होता है उसको दबाएंगे। ये देखा आपने, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ आ गया है, ये दो लाइनों में फार्मूला है, दो लाइन से भी ज़्यादा। इसको आप नोट करेंगे और इसको खुद करके देखेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट फार्मूला है। तो ये फास्ट फूड चेन का फार्मूला आप इसको खुद करके देखेंगे तभी पता चलेगा कैसे करना है। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इसको। ये शीट नंबर वन में रहने देता सब कुछ तो आसान होता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे जो वीडियो हैं वो देख रहे हैं, और जो नोट करने की चीज़ें वो नोट भी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में आप शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं देना। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके पास ही पहुँचेगा सीधा, सब्सक्राइब करेंगे तो। नहीं तो फिर आप ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पर है, आपको पता नहीं चलेगा इस तरह से। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, थैंक यू।